दिल्ली से कोलकाता तक अलग अलग शहरों में घूमकर एटीएम फ्रॉड करने वाले हरियाणा के गैंग सातीर को अहियापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपने शहर में ही साथ ही मिलकर जीरो माइल में एक बैंक के एटीएम में एक ग्रामीण के साथ ठगी का प्रयास कर रहा था। ग्रामीण के शोर मचाने पर सोमवार की शाम में लोग जुटे और उसे पकड़ लिया। वही आपको बता दें कि सिटी एएसपी ने बताया कि उसके पास से एक कई मशीन मिला है और दो तीन साथियों के साथ दिल्ली से कोलकाता तक अलग अलग शहरों में घूमकर एटीएम फ्रॉड को अंजाम देता था। इससे बहुत बड़ी सफलता हाथ मिली है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, एटीएम कई एटीएम कार्ड भी मौजूद है और तस्वीरें अभी आपको सबसे पहले अभी आपको प्रकाश में लाइव पर बता रहे हैं। वही अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हर एक खबर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। वही सिटी एसपी ने पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। एक गिरोह है जो कि भोले भाले लोगों को एटीएम के अंदर में जा कर के उनका किसी बहाने से एटीएम को अपने हाथ में ले लेते थे और एक मशीन उन लोगों के पास में था जो कि बरामद हुआ, उसमें उनका एटीएम को चुपके से स्वैप कर लिया जाता था जिससे उनका सारा डाटा उसमें आ जाता था। बाद में उस डाटा के माध्यम से वे लोग उसका एटीएम का क्लोन बना करके और उसके खाते से राशि की निकासी कर लिया करते थे। जो व्यक्ति पकड़ाया है वह हरियाणा का रहने वाला है, वो फोर व्हीलर से हरियाणा से चला था और पूछताछ में जैसा कि उसने बताया कि ये लोग इसी तरह के काम करते हुए पश्चिम बंगाल तक जाते और फिर वापस कई लोगों को ठगने के बाद में साइबर फ्रॉड करने के बाद में ये लोग वापस लौटते। कल एक व्यक्ति के साथ इसी तरह की एक घटना की जा रही थी जिसे उस व्यक्ति ने देख लिया, उसे शक हुआ तो हल्ला करने लगा, हल्ला पे कुछ लोग भी जुटे, पुलिस को भी सूचना मिली, उस तत्काल जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से कई एटीएम भी बरामद हुए हैं, उस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। इस गिरोह में इसने अपने दो अन्य साथी का भी नाम बताया है, उसके संबंध में भी कांड दर्ज कर लिया गया है।